आज मेरा दूध नाड़ी का एग्जामिनेशन हुआ, परीक्षा हुआ। डॉक्टर संजीव भार्गव ने किए और इट्स अमेजिंग, एक्सलेंट, आई एम रियली वंडरफुल। जो हमको मतलब वो बता दिए, सारे कुछ चीज़ बता दिए। जैसे टू स्टार्ट विथ ही स्पोक अबाउट माय हेल्थ एंड एवरीथिंग टर्न्ड आउट टू बी परफेक्ट। एंड देन ही सेड दैट व्हाट आई एम नॉट सपोज टू बी ईटिंग, वो भी बताए हमको कि आपको गेहूं वाला कोई भी चीज़, गेहूं रिलेटेड और जो है मिल्क प्रोडक्ट एंड शुगर, मैदा, ये सब कुछ नहीं खाना है। मेरा जो मेन प्रॉब्लम है वो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। सो उसके चलते मेरा सारे कुछ जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो होते हैं। और उसके बाद उन्होंने बताया कि आपका एनर्जी बहुत लो रहता है बिकॉज़ आपका बॉडी फूड का जो न्यूट्रिशन वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए वो हमको मेडिसिन देंगे। और फिर हमने उनको पूछा कि देखिए आप तो मेरा नाड़ी परीक्षा भी किए, आपको सब कुछ पता है, तो हमको एक सवाल पूछना है रिलेटेड टू माय वर्क। सो ही सेड यस यू कैन आस्क मी। सो आई सेड दैट कि आप बताइए मेरे को किस टाइप का काम करना चाहिए। सो देन ही सेड सी यू शुड यू गेट एनर्जी व्हेन यू वर्क विथ पीपल एंड व्हेन यू आर ऑन मूवमेंट। आपको जैसे बैठे बैठे कुछ अकेले काम करने को बताया जाए उसमें आपको एनर्जी नहीं मिलेगा, वो काम में आप ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो वो हम उनको बताए कि हम एक्चुअली कॉर्पोरेट में एक लीडरशिप कोच मेंटर का काम करते हैं, जिसमें हमको लोगों के साथ ही बातचीत करना, उनके साथ ही एंगेज होके काम करने में हमको रियली मज़ा आता है। आई सेड यस एब्सोल्युटली ट्रू। और दिन भर बैठे रहने में हमको अच्छा नहीं लगता, जब आप मूवमेंट में रहते हैं, लोगों के साथ बातचीत करने में लगे रहते हैं विद अ पर्पस। देन आई सेड कि हाँ लोगों के साथ बातचीत करने में अच्छा लगता है, लेकिन ये गॉसिप वगैरह करने में मेरे को मज़ा नहीं आता है। देन ही सेड यस एब्सोल्युटली राइट, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, यू हैव सर्टेन काइंड ऑफ ए पर्पस एंड अराउंड दैट पर्पस व्हेन यू स्टार्टेड टू टॉक टू पीपल एंड यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल, यू कोच एंड मेंटर पीपल, देन यू गेट एनर्जी। तो आप इस टाइप का काम में मन लगाइए तो आपका सक्सेसफुल होगा। सो आई एम सो वेरी मच थैंकफुल टू हिम बिकॉज दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग एंड ही सेड यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ये एक अमेजिंग फैक्टर निकल के आया है कि मेरा दूध नाड़ी परीक्षा करके वो ये बताए, हम पूछे कि किस टाइप का काम में हमको करना चाहिए एंड एग्जैक्टली आई एम ऑन द राइट ट्रैक। सो आई एम सो हैप्पी and that's it. He's prescribing me certain medicine and let me see after taking that medicine what's happening to me. I'll let you know. Thank you. I hope आपको ये फीडबैक बहुत अच्छा लगा होगा, ये दूत नाड़ी की स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। आप भी अगर दूत नाड़ी चेकअप कराना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, बड़ा आसान है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो लिंक्स दिख रहे होंगे आपको। एक लिंक है रजिस्ट्रेशन लिंक, जहाँ पे आपको अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें डालनी है, ₹350 पे करने हैं, 3-4 सेकंड वेट करना है जब तक आपका फाइनल रिसिप्ट नहीं आ जाए और आपका दूत नाड़ी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। इसका एक रिसिप्ट आपको मिलेगा लास्ट स्क्रीनशॉट में और एक आपको मिलेगा ईमेल में। अब वो रिसिप्ट को क्या करना है, जो दूसरा लिंक है वो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दूसरा लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, उसमें जाके इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद, मतलब डालने के बाद, शुद्ध भाषा हिंदी में आपको उसमें अपना नाम लिखना है या पेशेंट का नाम लिखना है जो दिखवाना चाहते हैं, विथ एज एंड मोबाइल नंबर।
वहाँ से हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं और 24 घंटे के अंदर आपको डॉक्टर का व्हाट्सएप आ जाता है। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, 24 घंटे के अंदर आपको डॉक्टर का व्हाट्सएप ज़रूर आता है जिसमें वो टाइम और डेट बताते हैं कि इस तारीख को इस समय आपका 2 तारीख कंसल्टेशन फिक्स हुआ है। उस टाइम में वो आपको व्हाट्सएप वीडियो कॉल करते हैं, आपका 2 तारीख कंसल्टेशन होता है। देखो 2 तारीख कंसल्टेशन हो गया, लेकिन जब तक आप दवाई नहीं लोगे तब तक पूरा कंप्लीट कैसे होगा? तो आपको दवाई लेने के लिए श्री श्री तत्वा का जो लिंक है वो भी मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में डालता रहता हूँ कंटिन्यूस बेसिस पे। उसके थ्रू जाके आप दवाइयाँ ज़रूर लें अगर आप पूरी तरह क्योर होना चाहते हैं। और श्री श्री तत्वा से जब आप शॉप कर रहे हैं दवाइयाँ तो आप सत्वा टॉक्स कोड यूज़ कीजिए, उससे हमें एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है और आपको डिस्काउंट मिल जाता है बहुत अच्छा उन मेडिसिंस पे। तो आई होप आप अपना दूध नाड़ी चेकअप कराएंगे और अपना फीडबैक जो भी है हमें वापस बताएंगे आके। एक बात और बताना चाहता हूँ, अभी कुछ लोग होंगे जो सोच रहे होंगे अभिषेक भैया दूध नाड़ी है क्या, थोड़ा बताओ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी वीडियो डाला हुआ है जिसमें मैंने दूध नाड़ी को एक्सप्लेन किया है। कई सारे वीडियोस पड़े हुए हैं इंटरनेट पे जिसमें दूध नाड़ी के बारे में डेप्थ में बताया है। सत्वा टॉक्स चैनल पे ही वो वीडियोस है, आप जाके देखिए एंजॉय कीजिए। फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर हेल्प। थैंक यू सो मच।